बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। बोलो भीष्म पितामह कृष्णमत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो बोलो जम के बोलो, है ना। अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं। पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ, तो बताओ कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया पर जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया, ये प्रबल किस्मत है, ये भाग्य है उसका। गिद्धराज जटायु की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा बिगड़ने मत। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। गया बचपन जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी से ज्यादा किस्मत वाले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर उनसे भी ज्यादा किस्मत वाले गिद्धराज जटायु हैं, जिन्होंने राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। किस्मत इसी को कहते हैं, जब अंत समय आवे तो मेरा राम, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो, बस यही जीवन का एक और अंत समय आप लोगों को आता है ना, जरा जम के बोलो जरा, अंत समय वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुम अंत समय प्रभु, और वचन दिया तो हाँ अंत समय प्रभु। ये अंत समय की घड़ी, अंत समय परमात्मा का दीदार हो जाए, अंत समय परमात्मा की भक्ति हो जाए। अभी क्या चल रहा है, सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ा, शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ा, पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा लग रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले ओ, और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो, दोनों की धार।